अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। सर, जो ये बिल लाए हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज जो मंत्री महोदय ने इस सदन में लाए हैं। एवरी सिंगल मेंबर ऑफ दिस हाउस हैज सपोर्टेड दिस बिल। सर, बहुत साधारण सा ये बिल है और चेंजेस ये बहुत सालों से अपेक्षित था। जो एडवोकेट्स भी अपने जिले में काम करते हैं, जो जिनसे हमसे बात करते हैं, हमारी डिस्कशन होती है, एक ट्राइबल क्षेत्र से, जहां मेरा क्षेत्र ट्राइबल पड़ता है दार्ली, मेलघाट से जब एक आधा किसान आता है या एक्सीडेंटल केस होता है या फार्मर्स की लैंड के कंसर्न होता है फॉरेस्ट के साथ या उनके आपसी या आपसी फैमिली के प्रॉब्लम्स में, जब वो किसान प्लेन पट्टे पे आके कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद वो इतना अनएजुकेटेड है कि उसे हर चीज समझाना बहुत मुश्किल है, तब उनका ट्रैपिंग का जो मामला आता है, जो कोर्ट में पहुंचते बराबर, गेट के पहुंचते बराबर वो वहां पे ट्रैप कर लेते हैं। किसान की जो फार्मर्स की लैंड है या एक्सीडेंटल केस है, तीसरी पीढ़ी आने तक वो सॉल्व नहीं होती है सर। पर उसके केस का निर्णय जब लगेगा, पर वो जो एक आधी एकड़ उनके पास रहती है वो भी बिकने की बारी आ जाती है, तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लगता। और उसको तारीख पे तारीख दिलाने वाला जो ये इमीडिएटर, जो दलाल वहां पे गेट पे बैठा रहता है, जो आते बराबर उन्हें ट्रैप कर लेता है, इसको हटाने का जो बिल लाया गया है, दी बेस्ट है। क्योंकि एडवोकेट से बात करते हुए, क्योंकि नया जब एडवोकेट कोर्ट में आता है तो उसे दो साइड ढाई साल लगते हैं अपनी सोशलाइट बना के लोगों तक अपना संपर्क करना, तो ये वहां पर ही एडवोकेट को जितने पैसे जाते नहीं है उससे कई ज्यादा ये बिचौलिया उनसे ले लेता। और इसमें नुकसान होता है जो गरीब, जो आदिवासी परिवार के लोग जाते हैं अपने केस लेके, या किसान के जो पानधान रस्ते होते हैं, हमारे मराठी में पानधान कहते हैं, पगड़ी रस्ता मुझे कहते हैं लगता है, तो वो रस्ते पे जो वाद होते हैं बहुत सालों तक चलते हैं, उसमें उसके किसान की खेती बिक जाती है, पर निर्णय वो बिचौलिया लगने नहीं देता है। और ये हटाकर मुझे लगता है डायरेक्टली जो गरीब वर्ग है जिन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है, वो ऐसे किसानों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा डायरेक्ट फायदा होगा। सर, एक और प्रॉब्लम देखी गई है जब हमने सभी एडवोकेट से बात की कि मेजरली प्रॉब्लम्स व्हाट यू फाइंड व्हेन दिस पुअर पीपल, नीडी पीपल कम टू यू, दे से वी कैन नॉट हेल्प देम इन एनी विच वेज। आई सेड व्हाई यू कैन नॉट हेल्प देम, तो उन्होंने ये साफ कहा है, अगर हमारी मंशा भी रहती है कि गरीब महिला कोई अपनी फैमिली कोर्ट में आती है, फैमिली को इशू लेकर आती है, या एक्सीडेंटल में किसी का हस्बैंड गुजर जाता है, तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए अगर हमें उन्हें डायरेक्ट मदद भी करना है, पर बिचौलिया पहले ही आके बोल देता है कि एडवोकेट साहब इन्हें मदद नहीं करना है, आपने अपने पैसे जो चार्ज करते हैं उससे इतना बढ़ाकर चार्ज करना, अगर 50 मेरा है तो 150 आपने चार्ज करना है, उसके कम आपने चार्ज नहीं करना। तो एडवोकेट ऑल्सो बिकम्स हेल्पलेस सर, पर उस दौरान सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बिचौलिया इतना फेमिलियर हो जाता है वो परिवार के साथ कि अगर हस्बैंड गुजर जाता है एक्सीडेंट में या एनी विच वेज कि डिवोर्स का कोई विषय चलता है, तो वो इतना फेमिलियर हो जाता है, फीमेल के पास पैसे नहीं रहते हैं देने के लिए, तो वो उनका मिस यूज करती है वो फीमेल का, वो बिचौलिए। तो ये बिल लाकर, अमेंडमेंट लाकर, मुझे लगता है ऐसे परिवारों को, ऐसे किसान को, जरूरतमंदों को, जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं और जिनके कारण, बिचौलियों के कारण बहुत ज्यादा नुकसान डायरेक्टली ये गरीब लोगों को होता है, और ये लाकर मुझे लगता है उनको डायरेक्ट फायदा हमारे मंत्री महोदय पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वी सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू।